गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुनय पांडे, खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 967 मतदान केंद्रों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, 2141 बूथों पर होगा मतदान। जिलाधिकारी ने कहा अवश्य करें मतदान। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कृपा से जमीनी कार्यकर्ता उपेंद्र दत्त शुक्ल और भारतीय जनता पार्टी की होगी ऐतिहासिक जीत। रविवार को होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगाए गए 14,000 वर्दीधारी, SSP ने दी जानकारी। गोरखपुर जिला प्रशासन ने जारी किया चुनाव के मद्देनजर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर, कभी भी दे सकते हैं सूचना या शिकायतें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का किया गया सम्मान समारोह। गीता वाटिका में श्रीमद् भगवत पुराण महाकथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव अध्याय पर शुरू हुआ पाठ। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज की स्मार्ट वेल्स पर 2 रनों से रोमांचक जीत। अब खबरें विस्तार से। रविवार को होने वाले गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर से पोलिंग पार्टियां 2141 बूथों के लिए रवाना हुई, जिसमें लगभग 6500 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला, चुनाव प्रेक्षक माधवी, पुलिस प्रेक्षक मंजुनाथ सहित सभी ARO अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग पार्टियों को रवाना करते नजर आए। इस दौरान मतदान कर्मियों ने EVM को परिसर में चेक कर लिया। सभी पोलिंग पार्टी बसों पर रवाना हुई। पिपराइच और सहजनवा विधानसभा की पोलिंग पार्टियां वाणिज्य संकाय से, कैंपियरगंज की पोलिंग पार्टी बैडमिंटन हॉल से, गोरखपुर ग्रामीण की दीक्षा भवन से और गोरखपुर शहर की पोलिंग पार्टी कला संकाय से रवाना हुई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने बताया। पास घूम रहे हैं और आकर के जिन्होंने अभी तक अपना मतदान सामग्री प्राप्त नहीं किया वे तत्काल आकर के अपना बैग संभालेंगे कि सब लेके तो फोन करके लोगों से लोग कहें फोन नंबर नहीं है क्या करें। और कौन रहा 2050 बूथ नंबर 22 के सामने आपका इंतजार कर रहे हैं भैया। Okay.
वहाँ बैठ जाओ। क्या जानी सर, वो बाद में भाग गया नहीं, वो जो पिटासीन एफ आई आर होगा उसकी कार्रवाई होगी। सर हमको एक पिटासीन चाहिए ना, हम सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं सर। आपको नथनी राम जी जी हम ध्यान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप जाके सिविल दीजिए ये लगवा लीजिए। Thank you.
45 141 बूथ हैं, इसमें कितनी ही नंबर की पार्टीज़ हैं और 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो आज सुबह से ये पार्टीज़ अपना सामान यहाँ रिसीव कर रही हैं और उसके बाद ये अपने जो इनकी निर्धारित गाड़ियाँ हैं हेड कैंप के बाद उस पर जाएंगी। तो ये काम लगभग 90% से ऊपर हो चुका है, 90% से ऊपर पार्टीज़ ने अपना सामान ले लिया है और जो थोड़ी बची हुई है रेसिडुअल पार्टीज़ हैं वो आने वाले आधे पौन घंटे में सामान ले लेंगी। उसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियों में बैठ कर चले जाएंगे और वहाँ पर हमारा CPMF और लोकल पुलिस सेंटर से पहुँच गया है, उनकी सुरक्षा में वहाँ पर रहेंगे, आज पूरी तैयारी करेंगे और सुबह 6 बजे से मॉक पोल कराएंगे और 7 बजे चुनाव कराएंगे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे सर? मतदाताओं से हमारी पुनः अपील एक बार है कि कल मतदान का दिवस है और इसकी ओर इसके लिए सरकार की ओर से छुट्टी भी है, कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कहीं किसी ऑफिस में नहीं जाना है, तो इसके लिए सबको निकलना चाहिए अपने घरों से, जो भी वोटर्स हैं, और अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं उपेंद्र दत्त शुक्ल। परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कृपा से इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने पार्क रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में ये सारी बातें कहीं और इसी दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, इसलिए चुनाव उपचुनाव विभिन्न कारणों से होते हैं, लेकिन ये चुनाव गोरखपुर के गौरव का चुनाव है, ये चुनाव गोरखपुर के सौभाग्य का चुनाव है, क्योंकि गोरखपुर की जनता के दिलों पर राज करने वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता के सुख दुख के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे पहले वो एक सांसद के रूप में प्रातः उठने से लेकर के देर रात्रि तक गोरखपुर की जनता के सुख दुख में भागीदार रहते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में भागीदार रहते थे, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी प्रातः जनता दर्शन से लेकर देर रात्रि तक केवल और केवल उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के सुख दुख में
परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आज भी गोरखपुर से उनका वैसा ही नाता है जैसा एक सांसद का था। गोरखपुर की जनता के लिए आज भी वैसे ही सुलभ है वो, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वर्ग ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक जमीनी कार्यकर्ता, एक कर्मठ कार्यकर्ता उपेंद्र दत्त शुक्ला को भारत भाजपा का प्रत्याशी बनाकर आप भेजा है, ताकि जो विकास का हाईवे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चला है, उस विकास के हाईवे को गोरखपुर से और वो बढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो भी गोरखपुर की जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हमेशा रहा, और इसलिए गोरखपुर में कोई लड़ाई नहीं है, गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और संबल प्रदान करने वाली है, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व में उनका और कद बढ़े, इसलिए यहाँ कोई लड़ाई किसी दल से है नहीं। आम जनता को पता है राम जन्मभूमि मूवमेंट के बाद 6 दिसंबर 1992 के बाद 1993 में ये बेमेल गठबंधन एक बार हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन सबको पता है 1995 में किस प्रकार स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उनको जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी, और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर वहाँ मौके पर जाकर नंगे पांव जाकर के बचाते नहीं तो मायावती जी शायद आज न होती। इसलिए एक बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। आपको सही बेमेल गठबंधन नहीं, मैंने कहा ना कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान जोखिम में डाल करके मायावती जी की प्राणों की रक्षा की थी, ये तो उन्हें उन लोगों को सोचना चाहिए। निश्चित रूप से जिस बात की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली हो रहा, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 1947 के पहले जब देश गुलाम था तो चंद्रशेखर आजाद, बुटकेश्वर दत्त, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर हजारों लोगों का जो सपना था भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में हो, वो पहली बार उभर करके आया है कि दुनिया के अंदर भारत का नेतृत्व अगर कहीं मोदी जी के रूप में जा रहा है तो भारत माता की जय जयकार हो रही है, भारत शक्तिशाली बना हुआ है, और इसलिए लोगों को घबराहट है। इस प्रकार से जो जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी को संसद के अंदर हंसी उड़ाने का कार्य लोग करते थे कि उनकी संख्या बल के आधार पर, आज उनकी संख्या बल भारतीय जनता पार्टी की ताकत 21 प्रांतों में हो गई है हिंदुस्तान के साथ साथ, इसलिए इन सब लोगों की घबराहट इसी नाते हैं, और ये कहीं भी इस देश की जनता को यह आभास है कि भारत शक्तिशाली राष्ट्र की तरफ उभर रहा है, योगी जी और मोदी जी का एक सक्षम नेतृत्व इस देश को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए इसमें कहीं बाधा खड़ी होने वाली नहीं है। जी सामान्य कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, योगी जी के नेतृत्व में हर आंदोलन में भागीदार रहे हैं, और इसलिए उपेंद्र जी ने तो पहले ही कहा, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस बागीचे को लगाया है उसे एक माली के रूप में वो आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने कभी भी उत्तराधिकारी के रूप में, उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि के रूप में मैं उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा, और इसलिए जो उनका एक लंबा 37 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, निश्चित रूप से वो जनता के सुख दुख में भागीदार रहते हुए योगी जी को और मजबूती प्रदान करेंगे। जीत का मार्जिन जो जितना महाराज जी का है उतना होने वाला है, उससे अधिक जनता और सनसने प्यार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से
परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। रविवार को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिससे मतदाता निर्भीक होकर अपने मतों का प्रयोग कर सकें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि 2141 बूथों पर होने वाले मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 14,000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इस संबंध में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। देखिए 2141 बूथों पे हमारा मतदान है कल, और लोकसभा के इस उपचुनाव में 33 कंपनी CPMF हमारी लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, और PSC लगी हुई है, होमगार्ड हमारे यहाँ अतिरिक्त रूप से लगाए गए हैं, सिविल पुलिस के लोग लगे हुए हैं, और कुल मिला के लगभग 14,000 के आसपास फोर्स हमारी इसमें डिप्लॉयड है। और बूथों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पे मतदाता जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं, वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारे थाना मोबाइल्स, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स ये सब लोग लगातार सक्रिय रहेंगे। हर तरह से ये प्रयास किया गया है कि प्रत्येक मतदाता अपने आप को और अपने वोट को निर्भय और सुरक्षित समझकर वोट कर सके। सर, सुरक्षा के मद्देनज़र क्या ड्रोन कैमरे और क्या? यहाँ आधे दर्जन के आसपास इस्तेमाल किए जाएंगे, जो बड़े बूथ हैं जहाँ पे बड़े पोलिंग सेंटर्स हैं, और उसके अलावा जो हमारे सेक्टर मोबाइल्स हैं उनके पास भी अपने वीडियो कैमरे हैं, उसके अलावा अन्य स्थानों पर भी हमारे वीडियो कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सर, कुछ संवेदनशील बूथ हैं तो उनके लिए अलग से पुलिस व्यवस्था की है? सभी क्रिटिकल बूथ्स पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है और वहाँ पर CPMF का कंपोनेंट रखा गया है। चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पे कोई भी व्यक्ति या मतदाता या स्वयं कोई उम्मीदवार इस नंबर पर कॉल कर सकता है। यह नंबर है 1801803516। दोबारा सुन लीजिए, 1801803516। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कमलेश्वरनाथ का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन भूगोल विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रेणुका द्विवेदी, माया सिंह सहित अन्य भूगोल विभाग के प्राध्यापक मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रोफेसर KN सिंह ने अपने प्रशासनिक अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन में लोगों से मतभेद होते रहेंगे और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन मतभेद होने के बावजूद भी मन एक होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य हमेशा सत्यम शिवम और सुंदरम ही हो, ऐसा समाज को प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए श्रेय जाता है प्रोफेसर सिंह साहब का, प्रोफेसर माहेश्वर मिश्रा जी का, प्रोफेसर जानक पाटिल जी का, प्रोफेसर पाटिल जी का और प्रोफेसर सिंधुजा मिश्रा जी साहब के द्वारा है। 3-3 घंटे तक समान सभा की बैठकें होती रही और सबको के चयन को लेकर के क्या भाई संस्कृत ने सरकार के शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया, मैंने संध्या सुन बैठे बात होती रही, अगड़ी तीखी बात होती रही, मतभेद रहे, खूब मतभेद रहे, लेकिन मतभेद नहीं रहा है। मतभेद होना स्वाभाविक होना भी चाहिए। यदि हम किसी मुद्दे पर आपके डिफर करते हैं, हम अलग तरह का भाव रखते हैं, अलग तरह का विचार रखते हैं, मतभेद होना चाहिए और लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक, क्योंकि जब तक मतभेद नहीं होगा तो चलेगा। मतभेद पति पत्नी में भी होते हैं, मतभेद होता है, लेकिन मतभेद न हो, मन तो एक है। यदि दोनों दो वर्गों में, दो लोगों में मतभेद है, लेकिन दोनों का मन एक है कि नहीं अच्छा होना चाहिए, हमारे मैं इस रास्ते को देख रहा हूँ, मैं इस दूसरा उस रास्ते को अच्छा समझ रहा है, लेकिन दोनों का यदि मन एक है तो मतभेद का प्रयोग करना।
बहुत सारी परंपरा है और इस तरह के व्यक्तित्व को करने का श्रेय किसी को जाता है तो इस विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ। शनिवार को रससिद्ध संत परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका के कथा परिसर में वृंदावन से आए कथावाचक लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने श्रीमद् भगवत महापुराण कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव अध्याय का आरंभ कर श्रद्धालुओं को कथापान कराया। श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने आए आसपास के श्रद्धालु कथा परिसर में कृष्ण जन्मोत्सव की कथा पूरे भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर सुन रहे थे। विद्यालय की तरफ जाने लगी तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वो क्या सिर के ऊपर हम पुष्प नहीं रहेंगे। पुष्पों ने विचार किया और पुष्प नीचे गिर करके सबको इज्जत दे, सबको सम्मान दे। बापो नाम यशोदा है, यशोदा भैया ने विचार करो जितनी ब्रजगोपी हैं, कोई तो नाच रही है, कोई गा रही है, कोई खेल रही है, कुछ कोई मांग रही है। बोले ये ब्रजगोपी तो कोने में ठाड़ी ठाड़ी क्यों देख रही है, क्या बात है। तो भाई समय नंदरानी ने कही सरी ब्रजगोपी तो को कहा चाहिए, सोनो चाहिए, चांदी चाहिए, गैया चाहिए, का चाहिए बता। तो भाई समय ब्रजगोपी बोली हरी नंदरानी आपकी कृपा थे और यमुना मैया की कृपा थे हमारे घर में गौ बात की कमी ना, हमारे घर में गैया है, दूध पूत सब कछु है, पर जैसे ही मैंने आपके लाला को देखो है ना, या नीलमणि लाला को देखो है, तो मेरे मन में भाव उत्पन्न है गयो। बोले का भाव उत्पन्न भयो? बोले मैं ऐसा चाहूँ कि आपके लाला को आप अपनी मेरी गोदी में दे दो। तो जिसी प्रकार से कहा है कंठाभरण भूषता, और नंदरानी ने कही यशोदा मैया ने कही सुन ब्रज गोपी ये लाला तुम्हारे भाग्य नित्य और तुम्हारे आशीर्वाद नित्य ही तो भयो मेरे घर में, नहीं पहले क्यों ना है गयो, बुढ़ापे में भयो है। और उसी समय यशोदा मैया ने बाल कृष्ण प्रभु को लिया और इस गोपी की गोदी में दे दिया और सुखदेव जी महाराज कहने लगे कंठाभरण भूषता और इस ब्रज गोपी ने अपने महाराज कंठ से हृदय से बाल कृष्ण प्रभु को लगा लिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आगे कहते महाराज रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल नंदता, रोहिणी जी जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है जो गोकुल गांव में निवास करें और जिनके बेटा को नाम है बलदाऊ दाऊ जी महाराज है वो नहीं आई। उन्होंने विचार करो नौ सब मैं कैसे जाऊं, मेरे पति तो मथुरा में कंस की कारागार में बंद है, मैं कैसे जाऊं। जब नंद बाबा ने बुलाया तो बुला के लेकर के आए और महाराज उनको भी बुला लिया। आगे कहते हैं राजा परीक्षित ने प्रश्न करे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज थे इतनी धन संपत्ति छोटे से गोकुल गांव में कहते आई। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहने लगे तत्यार बनंदस्य प्रजय सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्मगुड़ी रमाकुंड बहुन नपो। जब महाराज वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी ने विचार करो कि जब मेरे पति छोटे से बन के जन्म लेकर के गोकुल गांव में चले गए हैं तो मैं वैकुंठ में रहकर क्या करूंगी। तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी गोकुल गांव के पास वृंदावन के पास और बेलवन में आके विराजमान है गई और बोले अपने पति के जन्म महोत्सव की व्यवस्था देखूंगी जिससे कब वस्तु की वह में कमी नहीं हो। नंद के लाला की। अब तो महाराज एक संत निरूपण करते हैं, संत निरूपण करते हैं, बड़े बड़े सूत आ रहे हैं, मागद आ रहे हैं, बंदी जन आ रहे हैं, हमारे ब्रज ब्रज के संतों की बड़ा सुंदर भाव है। बोले सूत मागद बंदी जन एक ढाड़ी के बोले कौन जो मानवे बारे जो यजमान जिनके नंद बाबा यजमान है। अब तो महाराज जब उनने सुनी ब्रज 84 कोस के जब उनने सुनी कि हमारे पुराने यजमान जो ब्रज के राजा हैं नंद बाबा उनके यहाँ बुढ़ापे में एक लाला भयो है, तो जिस ढाणी के ने सुनी तो जो ढाणी को है वो तो बड़ो बूढ़ो है गयो है। वहाँ ने अपने बेटा को बुलाया और बेटा थे कही बोले बेटा अब तुम ऐसा करो जाओ हमारे नंद बाबा के यहाँ पुराने यजमान है और ब्रज के राजा हैं जिनके यहाँ वृद्धावस्था में बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है छोरा भयो है आप उनके यहाँ मांग के लेके आओ। तो वही समय महाराज का भयो धाड़ी को नंद बाबा के यहाँ पे आयो और नंद बाबा के यहाँ पे आके बोले बाबा राम राम। बोले लाला कहाँ से आयो? बोले मैं आपके धाड़ी को हूँ, हमारे पिताजी ने आपके पास भेजो है और मैं मानवे के ताई आयो हूँ। बोले बेटा कहा चाहिए ले जा, भंडार खुले भये हैं, दरबार खुले भये, भैया ले जा, स्वर्ण ले जा, हीरा ले जा, पन्ना ले जा, कहा चाहिए। बोले मैं अकेला ना लूंगो। तो बोले कैसे ले गो? बोले जब मैं चलवे लगे भरते तो मेरे पिताजी ने और मेरी मैया ने और मेरे बालक बच्चे ने सबने कछु कही है। तो बोले भा कहिए बताओ। तो महाराज बोले अब मैं बताऊं? तो नंद बाबा ने कही बताओ। तो बोले
धाड़ी को कहवे लगे हो, बाबा सुनो ध्यान से, मेरे घर वाले ने कहा मंगायो है आप यहाँ से, तो बोले मेरे मने आनंद भयो और ब्रजराज ही जाचन आयो हूँ। जब हमने सुनो, हमारे पिताजी ने सुनी जिनकी अवस्था बहुत ज्यादा है, खटिया में पड़े रहे, पर जब उनने सुनी बोले मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही जाचन आयो हूँ, आपके पास मांगने को आयो हूँ। और जैसे ही मैं अपने घर से चले हो तो मेरे सभी घर वाले आ गए और कहने लगे अपने अपने मन को मतो कह सब परिवार पठायो, अपने अपने मन को मतो कह सब परिवार पठायो। और इस प्रकार से महाराज कहे तात कहो समझाए राय, जैसे ही मैं आवे लगे तो मेरे पिताजी भाई बैठ जाए गुरु नंद के लाला की शादी काजे दीजो बाबा मत मनातो हाथी बाटे बाबा। वो कहने लगे बोले पिताजी आप नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो तो मेरे काजे हाथी लेके। नंद बाबा बड़े प्रसन्न भए, बोले बेटा है कई बात, बोले ना है। शनिवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर आतिफ कप वेटरन T20 टूर्नामेंट का शुभारंभ मैच सेंट एंड्रयूज कॉलेज और स्मार्ट विल्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज ने 20 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। सेंट एंड्रयूज की तरफ से कासिम ने सर्वाधिक 42 रनों की पारी खेली। 159 रनों का पीछा करने उतरी स्मार्ट वेल्स की पूरी टीम 19वें ओवर में ही 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रोमांचक मैच में जीत के करीब पहुंच चुकी वेल्स को अंतिम 7 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी, जबकि 2 विकेट शेष थे। लेकिन 19वें ओवर में राजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को आउट कर अपनी टीम को 2 रनों से रोमांचक जीत दिलाई। सेंट एंड्रयूज की तरफ से राजा ने 4 ओवरों में 27 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि स्मार्ट वेल्स की तरफ से मोहब्बत ने 65 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत हासिल नहीं करा पाए। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 967 मतदान केंद्रों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, 2141 बूथों पर होगा मतदान, जिलाधिकारी ने कहा अवश्य करें मतदान। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कृपा से जमीनी कार्यकर्ता उपेंद्र दत्त शुक्ल और भारतीय जनता पार्टी की होगी ऐतिहासिक जीत। रविवार को होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगाए गए 14,000 वर्दीधारी, SSP ने दी जानकारी। गोरखपुर जिला प्रशासन ने जारी किया चुनाव के मद्देनजर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर, कभी भी दे सकते हैं सूचना या शिकायतें।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का किया गया सम्मान समारोह। गीता वाटिका में श्रीमद् भगवत पुराण महाकथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव अध्याय पर शुरू हुआ पाठ। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज की स्मार्ट वेल्स पर 2 रनों से रोमांचक जीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।